चेक रिपब्लिक ये एक ऐसा कंट्री है जिसमें एक ऐसा काम किया गया है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं किया गया हो। धरती पे आज जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पोल्यूशन से। पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा फैलते जा रहा है और इस कंट्री में एक ऐसा यूनिक सा काम हुआ है जो पोल्यूशन को काफी हद तक रोक सकता है। तो डेली लाइफ में यूज होने वाली एक चीज है शैम्पू। शैम्पू का जो बोतल होता है, जो आप बड़े बड़े बोतल लाते हो शैम्पू का, अगर वो खत्म हो जाती है तो फिर आप उसे फेंक देते हो और आप मार्केट जाके एक नए शैम्पू का बोतल ले आते हो। लेकिन वो जो आपने बोतल फेंकी है उसको गलने में कितना समय लगेगा ये तो आप भी जानते हैं कि जो प्लास्टिक है वो मिट्टी में डिजोल्व नहीं होती है, वो कभी घुलती नहीं है, उसे घुलने में भी बहुत समय लगता है। तो इस कंट्री में कंपनीज के द्वारा रिफिल सर्विसेज दिया गया जिस वजह से लोग अपनी बोतल को जो है वो फिर से रिफिल कर सके। जस्ट लाइक आप पानी के बोतल में जो पानी भरते हो ना, उसी तरह से ये भी था। अगर शैम्पू आपका खत्म हो गया तो आप बोतल ले जाइए और बोतल में फिर से आप शैम्पू भर सकते हैं। और उस कंट्री में इस रिफिल सर्विसेज को पूरी जगह लगाया गया जिस वजह से उस कंट्री में काफी ज्यादा पॉल्यूशन कम हो गया। तो इस यूनिक से आइडिया को सभी जगह अगर लागू कर दिया गया, सभी कंट्री में अगर ये इस चीज को लागू कर दिया गया तो आप सोचोगे कितना ज्यादा पॉल्यूशन कम हो सकता है। इस टाइप की जो इमेज होती है वो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस इमेज में जो बिल्डिंग जो है वो बादल को फाड़ते हुए निकल रही है? तो नहीं, इस इमेज का ये मतलब नहीं है, क्योंकि जो बादल होती है वो काफी ऊपर होती है, उतने ऊपर तक बिल्डिंग बनाना नामुमकिन है। जो माउंट एवरेस्ट है वही सिर्फ बादल को टच करती है। तो इस इमेज में जिस चीज को आप बादल समझ रहे हो वो बादल नहीं है। जो सुबह सुबह का मौसम होता है ना, सुबह में जो फॉग होता है वो ऐसा ही दिखता है, खास करके दुबई में, क्योंकि दुबई में काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और आप जब सुबह सुबह ऊपर टॉप फ्लोर पे जाओगे ना तो आपको ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। ऐसा नजारा आपको ज्यादातर ठंडी में देखने को मिलेगा, ठंड में काफी ज्यादा फॉग होता है और सुबह के मौसम में ऐसा फॉग आपको देखने को हमेशा मिलेगा और ऐसा नजारा वाकई में काफी खूबसूरत होता है। लगता है कि बादल जो है वो बिल्डिंग के नीचे आ गया हो, बिल्डिंग जो है बादल को फाड़ के ऊपर गई हो। तो अब आप ऐसी इमेज को देखे हो या फिर आप खुद वहां पे जाके एक्सपीरियंस करे हो अपनी आंखों से, तो आप इसे बादल मत समझ लेना। आप एक और इमेज को देखो, ये जो पिक है ये एरोप्लेन से लिया गया है, तो आपको इसमें दिख रहा है ना कि काफी ज्यादा बादल जो है वो बिल्डिंग के नीचे आ गई हो, लेकिन नहीं, ये फॉग है। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलरफुल इमेज में बदला जा सकता है। तो आपने फोटोशॉप का नाम सुना है या फिर वो आपको चलाना भी आता होगा, तो जो फोटोशॉप में मास्टर होंगे ना वही इस इमेज को ऐसे कलरफुल इमेज में बदल सकते हैं। आपने इस चीज को तो जरूर सुना होगा, टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसका मतलब होता है कि आप जो जिस चीज को आप देख रहे हो ना वो तो एक झलक है, मेन चीज जो देखना है वो अभी बाकी है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है ये इमेज। इस इमेज को आप देख रहे हो ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक आइसबर्ग दिख रहा होगा। तो इसी चीज को कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि जो आपको ये बर्फ का पहाड़ दिख रहा है ना वो तो एक झलक है, नीचे इसका और भी बड़ा सा पार्ट बाकी है जो आपने आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आप इस आइसबर्ग के पूरे इमेज को देखो, आपको क्या दिख रहा है? लग रहा है ना काफी खूबसूरत चीज जो आपको ऊपर से नहीं दिख रही होगी। तो इसी चीज को कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। और क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे महंगा होटल कौन सा है? तो जो नॉर्मल 3 स्टार होटल का जो प्राइस होता है वो 3 से 4 हजार रुपए, और अगर आप 5 स्टार होटल में जाएंगे तो आपको 15 से 20 हजार रुपए देना होगा। अगर आप 7 स्टार होटल में जाएंगे तो आपको 50 से 1 लाख तक देना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का वो कौन सा ऐसा सबसे महंगा होटल है जिसमें एक रात ठहरने की कीमत है 1.5 करोड़ रुपए? आप समझ रहे हो ना, 1.5 करोड़ रुपए, इतने में तो इंडिया में एक अच्छा घर बन जाता है। तो इस दुनिया के सबसे महंगे होटल का नाम है लवर्स डीप लग्जरी सबमरीन, और ये होटल स्पेशली लवर्स के लिए बनाया गया है, जो कि ये होटल मौजूद है सेंट लुसिया, एक जगह है वहाँ पे। और आप ऐसा मत समझ लेना कि ये जो होटल है वो एक जमीन पर बनाया गया लग्जरी होटल है, असल में ये जो होटल है वो जमीन पे मौजूद है ही नहीं, ये एक सबमरीन के अंदर बनाया गया लग्जरी होटल है। एक पूरे बड़े से सबमरीन के अंदर ये होटल मौजूद है और आपको अंदर से नजारा जो दिखेगा ना वो तो लाजवाब ही होगा। और इस होटल के विंडो से आपको ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, समुद्र की सारी मछलियां आपको दिखेगी, लगेगा आपको कि ये कोई वीडियो इफेक्ट है। आपको ऐसा लगेगा ना कि जो होटल का जो विंडो है वहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया गया हो और वीडियो को प्ले कर दिया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक रियल मछलियां है। तो जो लोग 1.5 करोड़ रुपया देके इस होटल में जाते होंगे ना, उनको तो काफी अच्छे अच्छे नजारे देखने को मिलते होंगे। तो क्या आप इस होटल में जाना पसंद करेंगे? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप तो इस होटल में जाने वाले नहीं हो और कोई भी नहीं जाएगा इस होटल में भाई। 1.5 करोड़ में तो अच्छे अच्छे घर बन जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आपको 1 करोड़ में ऐसा नजारा तो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।